खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां जिले के परिवहन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा। मुख्यमंत्री के संभावित आगमन से कुछ घंटे पहले जब मीडिया ने जिम्मेदार अधिकारी से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कोई कर्मचारी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि विभागीय कर्मचारियों को नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए फाइल के अंदर पैसे रखकर दिए जाते हैं तो काम बन जाता है, वरना फाइल वापस कर दी जाती है। नाम व छापने की शर्त पर एक व्यक्ति ने बताया कि कम पैसे देने पर फाइल की ठेला ठेली शुरू हो जाती है। अगर जिम्मेदार अधिकारी थोड़ा सा भी संज्ञान लेते हैं तो आम जनता को राहत मिल सकती है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जिम्मेदार अधिकारियों की भी संलिप्तता हो सकती है और दलालों को लेकर मिल रही शिकायतों की जांच के लिए उच्च अधिकारी कभी भी आ सकते हैं। इसे लेकर विभागीय कर्मचारियों ने भी फाइलों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। एआरटीओ कार्यालय में चल रहे खेल को लेकर मीडिया में खबरें आ रही थी। पिछले दिनों इसे लेकर जिले के जनप्रतिनिधियों में भी नाराजगी जाहिर किया था। वहीं आरटीओ कार्यालय में दलालों को के बोलाबाल को लेकर कई बार शिकायतें हो चुकी हैं। इसके अलावा जिले में होने वाले खनन को लेकर परिवहन विभाग के अफसरों पर सवाल उठ चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि खबरों को लेकर परिवहन विभाग के अफसर भी खासे सतर्क हैं। जिले में ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के नाम पर गड़बड़ी होती है, इसे लेकर विजिलेंस की टीम कभी भी जांच के लिए आ सकती है। एक मिनट समय देते हैं हमको। सर, सुनने में आया है कि कोई फाइल पास करने के लिए आपके अधीनस्थ कर्मचारी 1,000 रुपया रिश्वत के तौर पर लेते हैं, क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सत्य है? नहीं, बिल्कुल असत्य है। जो है, अगर ऐसी मैं तो यहां स्वयं बैठता हूं, जो है कि किसी भी पब्लिक का मुझसे डायरेक्ट मिल सकता है, और कोई मतलब कि अब तो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई हैं, हमारे यानी ट्रांसफ़र से डीएल से लेकर हर चीज़ ऑनलाइन, अपना फ़ोटो खींचें और जो अन्य कार्य हैं करके जाएँ। जो है सर, जो पीड़ित आया है कह रहा है उसमें कहाँ तक आपको गलत नजर आ रहा है कि अगर जो भी कोई द्वेष है आपसे या आपके विभाग से या कहीं उसको तकलीफ हुई हो तो हम लोगों से बात करा। मुझे आप उसको जो व्यक्ति पीड़ित है वो लिखित रूप से दे और अगर मैं उसकी जांच करूंगा और अगर वो मिलता है जो है जी दोषी तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ नगद कैश के रूप में क्या कोई शुल्क जमा होता है? हमारे यहाँ केवल टैक्स जो है, कुछ गाड़ियों का ऑनलाइन भी सुविधा है, मतलब ये भी सुविधा है कि हमारे यहाँ कुछ मतलब थोड़े बहुत जो है कि कैश जमा होते हैं। उसके अगेंस्ट में सर आप रसीद वगैरह? हाँ, रसीद जिसकी वो टैक्स की जो जमा करता है फीस जो है, आप सारी चीज़ें हमारी तो ऑनलाइन हो चुकी हैं सब चीज़ें। सर, वही मैं मेरे कहने का मतलब यही कि ऑनलाइन लेते हैं? नहीं, ऑनलाइन टोटल ऑनलाइन 100% ऑनलाइन है। कुछ मोटर मालिक अभी जैसे फीस अपनी जमा करते हैं कि टैक्स जो है, बस मालिक हैं अगर जो जमा करना चाहते हैं हमारे कार्यालय में आके कुछ लोग जमा करते हैं, कभी कभी 2-4-5 लाख रुपए आते भी हैं। जी सर, थोड़ा सा अपने पट्टी से थोड़ा हट करके हम लोगों से बात करें। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है कि पीड़ित चूंकि हम ग्रामीण पत्रकार हैं और ग्रामीण से जो लोग आते हैं, क्या आपके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा मिसबिहेव किया जाता है? नहीं, इस बात को आप आज अगर किसी ने हमारे कर्मचारी ने मिसबिहेव किया करता है, अगर कोई भी हमारा कर्मचारी, एक नहीं कोई भी हमारे साथ 4-6-7 जितने भी हैं, वह व्यक्ति हमारे पास आए लिखित रूप से दे जी और मैं जो है कि तुरंत मुझे बताए, मैं तुरंत जो है कि देखता हूँ कि कौन मिसबिहेव किया और सब किया। सर, सुनने में आया कि फाइल में लगा करके वो 1,000 रुपया दे देते हैं तो फाइल तुरंत पास होती है? नहीं नहीं, और ऐसा नहीं, जिसके पास नहीं रहता है 500 रुपया, एक ये मेरे मित्र है तो पत्रकार है, ये पत्रकार है, ये बाई रिक्वेस्ट 500 रुपया दिए, ये मेरे पास अभी किसी दिन आए थे जो है, मैंने तो इनका काम जो है तुरंत ही कर दिया जी। मैं तो तुरंत कर दिया जी, जैसे काम तो कर दिया सर, जैसे सिस्टम के मुताबिक इन्होंने 1,500 दिया उनको। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जब आते हैं तो 2-4 लोग 10 लोग महीने में तो मिल ही जाते हैं कि सर ऐसा ऐसा काम है, नहीं, नहीं, तो हम करवाते हैं तो शिशिर बाबू क्या ऐसा हम कर देते थे, आप क्या नहीं पहुंचते थे, लेकिन शिशिर बाबू कह रहे थे कि आप 500 रुपये में काम नहीं होगा, 1,000 लगाइए। सुनिए, साहब से आप बात करिए, मैंने आपको 500 रुपये लगा कर भी आपसे बात किया उस दिन, आपसे बात किया, आपने पैसा हमें वापस कर दिया, हमारा काम तो हो गया। नहीं नहीं,
लेकिन कभी हर दम तो हम आएंगे तो आपसे मिलेंगे नहीं। बिल्कुल, आप जो है कि आपका कोई काम अगर पड़ता है तो मुझसे आप डायरेक्ट मिलिए जो है जी। मैं मतलब हमेशा ऑफिस में रहता हूँ, तो मिल सकते हैं सर। लेकिन नहीं, कोई चीज नहीं है, आपकी बात नहीं रह गई। मान लीजिए अगर आपके अधीनस्थ कर्मचारी इस तरह से करते हैं सारी बात को लेकर के, यहाँ आएगा कोई नहीं। नहीं, ऐसा देखिए जो है कि इस तरह की शिकायतें जो है कि गलत की झूठी हैं जो है, मैं एकदम पूर्णता कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई काम हो मुझे डायरेक्ट मिले जो है, अगर कोई रिश्वत मांगता है तो मुझे तुरंत बताए, अगर उसका काम ना हो तो मुझे बताए। ठीक है सर। सर, इन्होंने बाई नेम बाई फेस बता रहे हैं, तो क्या कोई इनसे कोई ज्यादती दुश्मनी है क्या भाई? ये तो मैं नहीं बता सकता जो है, लेकिन है कि ये जो है कि चीजें मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर संज्ञान में होगी जो है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। तो सर आप संज्ञान लेना चाहेंगे? बिल्कुल लूंगा सर, ले लीजिए। नहीं लेंगे तो चांता सब लोग कर ही देते हैं सर, पर अभी होती है, लेकिन सिस्टम के जरिए उन्हीं के यहाँ से खत्म हो जाता था कोई सिस्टम। लेकिन जब रोक दिए कि नहीं अब हमारे यहाँ नहीं होता है, बड़े साहब के आप जाइए तो वही आए। नहीं नहीं, आपको हमने तो कुछ कहा था, आप जब कभी भी कोई काम पड़े मुझसे आप डायरेक्ट आइए मिलिए जो है, मैं तो कहा था। वो तो सर मिल लेंगे, लेकिन हमारे छोटी-छोटी काम को छोटी नहीं बराबर नहीं आएंगे सर, फोन से तो भी हो नहीं जाता है। आप मुझे टेलीफोन करिए, हमारा नंबर है। सर इनका कहना है कि 1000 पर हेड नहीं नहीं गलत बात है, एकदम नहीं, एकदम नहीं। परीक्षा दें या ना दें, 1000 दें इनसे? नहीं नहीं, एकदम नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप से बात करिए, इनके साथ सर गुजरी ही बात तो बता रहे हैं। नहीं नहीं, बात तो साथ से कर ही लेंगे, फिर आपका भी नहीं नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं लाइसेंस का। ठीक है, लाइसेंस के बाबू हम नहीं हैं। कब से नहीं है? अरे तो हमारा राम रूम हमारा है, सर्वर रूम है, सर्वर रूम ऐसा नहीं है। वहीं गाजीपुर में मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए जिलाधिकारी एमपी सिंह ने आज राइफल क्लब सभागार में समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए सभी विभागीय अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित बुकलेट तैयार कर लें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया जा सके। बैठक में बिजली विभाग के अभियंताओं को निर्देश देते हुए कहा, जनपद में जले ट्रांसफार्मरों को तत्काल ठीक कराने एवं रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति के संबंध में अपने स्तर से अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाए। इसके साथ ही विधवा, विकलांग, पेंशन, ICDS, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिया कि वे अपने विभाग से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करा लें। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि गौ आश्रय केंद्रों पर पशुओं को चारा, पीने का पानी तथा इनके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के GC मौर्य तथा संबंधित जनपद स्तरीय समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह की रिपोर्ट।